माशाल्लाह, देखो उससे अच्छा आ रहा है कि नहीं। ऐसा लग रहा है गांव में चल रहे हैं जानवर। जान दो क्या अंदर? नहीं नहीं कहा, वो बड़े हो गए फिर बकरे छोटे दिखेंगे, घास बढ़ गई ना। अरे पहले वो बंद कर दो। Hey guys, welcome back to the channel. This is Sameer and you are watching MSQ Vlogs. So guys, हम लोग है अगवान गोट फार्म पर और यहाँ पर कुछ आया है बकरों का लॉट जो कि बकरी ईद के लिए आया है और ये लॉट निकाला है। काफ़ी अच्छा लॉट है और छोटी साइज में है और मेरे को लगता है काफ़ी बजट फ्रेंडली भी होंगे ये बकरे। और सिरोही गुजरी वगैरह भी इसमें दिख रहे हैं, मजीटा वगैरह भी इसमें दिख रहे हैं। तो आइए हम लोग अशरफ भाई से बात करेंगे और जानेंगे इसमें कौन सी ब्रीड के बकरे अवेलेबल है और क्या वेट पर है, कितने दांत पर है और प्राइस ये क्या कोट कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, बकरों का एक ओवरव्यू तो हमने आपको दे ही दिया, अभी हम लोग बात करेंगे बकरों की डिटेल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। अशरफ भाई, धमाका हो गया मतलब अचानक? हाँ, लॉकडाउन है, लोगों के पास पैसे नहीं है तो ज्यादा महंगी चीज लाके मतलब नहीं है। तो बहुत अच्छी चीज लाए, लेकिन जो भी लाए हो अच्छे, बहुत अच्छी चीज लाए। दो दांत पे है ज्यादातर, माशाल्लाह ज्यादातर बच्चे पूरे दो दांत पे ही है। कोई होगा जो चार दांत पे है ऐसा, बाकी सब बच्चे दो दांत पे है। ये वजन की पट्टी भी नहीं है, ज्यादा हैवी बकरे भी नहीं है, 40 से 50 किलो की पट्टी है, है ना? हाँ सही है। कितने बकरे लाए अपन ने टोटल? टोटल तो 124 बकरे हैं। अच्छा, उसमें कुछ 8-10 अंडू है और कुछ 15 बकरे हैं वजनदार, हैवी भाई, 60-70 किलो के। ओके, तो ये जो है 45 से 50-55 किलो तक के ही बकरे हैं इसके अंदर ज्यादातर। बराबर, ठीक है। और अपन इसमें जो है कौन सी ब्रीड अपन ने लाई है? इसमें ब्रीड अपनी सिरोही की है और मजेटो जो अभी चल रहा है, ज्यादा लोग पसंद है, मजेटो मिक्स है इसके अंदर। गुजरी है इससे दो चार, ज्यादा गुजरी नहीं, ये जोड़ी है, देखो ये जोड़ी है, माशाल्लाह ज्यादातर जोड़े जोड़े के बच्चे हैं। ये व्हाइट में है, ये दोनों की जोड़ी है, ऐसे है, ये ब्लैक स्पॉट वाला है। तो ये सब इसमें ज्यादातर दो ही दांत के होंगे? ज्यादातर दो दांत है। बहुत अच्छे और माशाल्लाह एकदम फ्रेश जानवर है। ओके, ये कब उतरे अपने पास यहाँ पर? ये उतरे समझो कल शाम को, लेकिन खरीदी हो गई थी 8 दिन पहले ही, तो मतलब जहाँ पर भी थे ये वहाँ पर था के एकदम फिट एंड फाइन थे। अभी जब ये आए जब वहाँ से, तो यहाँ पे इनको ट्रैवलिंग में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ? देख रहे हो बकरे ऐसे लगी नहीं रहे कि एक दिन मतलब ट्रैवल किए हुए, कुछ गंदे हो गए ऐसे। वो तो सब जगह पे बकरे गंदे है क्योंकि बारिश का सीजन है, निलाना पॉसिबल नहीं है। बारिश भी है तो निलाया नहीं, तो सोचा था निलाने के लिए। ओके, बारिश रुकी नहीं रही है। नहीं नहीं बढ़िया है, वैसे भी बकरे को जो बकरे अपन अभी लाइव देख रहे खड़े रह के, इनको निलाने की जरूरत मुझे लग नहीं रही है। हाँ भाई, बहुत अच्छे खूबसूरत बकरे हैं, छोटे हैं और वजन में भी कम है और मेरे ख्याल से काफी पॉकेट फ्रेंडली भी होंगे इंशाल्लाह। ये हम लोग रेट की बात करेंगे अभी, जब तक हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू देते हैं ताकि आपको बकरों का अंदाजा लग सके कि बकरे है कैसे ये सारे, है ना? और फिर बाद में हम लोग बात करेंगे रेट की, है ना? इसमें देखिए मजीटा में ये है क्या, और भी इसमें है मजीटा वगैरह, ये एक दिख रहा है मुझे व्हाइट मुंडी वाला। और बकरों की एक बात ये अच्छी लग रही है कि बकरे सारे ना जो है कसे हुए हैं, मतलब कोई भी बकरा एकदम ऐसा नहीं दिख रहा है कि मतलब चर्बी वाला होगा, है ना? एकदम मतलब कसे हुए जानवर है, ज़्यादा वैसे जानवर नहीं है, माशाल्लाह। अशरफ भाई, चर्बी तो भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ज्यादातर इसमें ना, मतलब मैं समझता हूँ गोशी गोश है, है ना? चर्बी से कम बजट वाला भी ले सकता है, वैसे जानवर, वैसे जानवर इंशाल्लाह। ऐसा किसी की कुर्बानी ऐसा नहीं कि नहीं, किसी ने सोच के रखा है कि कुर्बानी करनी है, लेकिन लॉकडाउन का मसला चल रहा है, पैसे नहीं है, तो अगर सस्ते में भी चाहिए तो सस्ते में सस्ता और अच्छा जानवर है, अच्छा जानवर है और साल भर के ही बच्चे, ज्यादा कुछ उम्र वाले बच्चे भी नहीं है, बहुत अच्छे। तो अशरफ भाई अभी हम लोग बात करेंगे इनके रेट की, तो क्या रेट हम लोग कोट कर रहे हैं? रेट तो भाई माशाल्लाह अपना जो इसके पहले भी अपन ने जो वीडियो बनाए थे 370 370 अरे बाप रे बाप माशाल्लाह।
370 रुपए पर केजी। अपन ने वो वाले वीडियो में बोले भी थे कि मेरा और माल आएगा 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 बोले तो अपन ये भाव में भी देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वही भाव रखा हूँ, भाव बढ़ाया नहीं हूँ। ओके, मतलब जो प्रॉमिस हम लोग ने लास्ट वीडियो में किए थे वो प्रॉमिस पे हम लोग है, हम लोग ने अपना प्रॉमिस तोड़ा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और बकरों में कुछ खर्चा नहीं, सबके बाल कटे हुए हैं, सबके फूर कटे हुए हैं। हाँ मतलब घर ले जाने के लाएंगे एकदम घर ले। और दूसरी बात, अगर अशरफ भाई जैसे कोई बकरा खरीदता है और जैसे बारिश का सीजन है लोग रखना चाहे यहाँ पर, तो कुछ उसके लिए इंतजाम है क्या? हाँ रख सकते हैं, अगर देखो कोई एक बकरा दो बकरा लेता है तो उसको रखेगा अपन, ऐसा कुछ नहीं है, किसी के पास जगह है नहीं है। कोई अगर पूरा लोड लेता है तो उसको भी उसका भी इंतजाम हो जाएगा इंशाल्लाह, सब है। तो हम लोग उसके लिए क्या प्राइस कोट कर रहे हैं पर डे का? अपना पर डे का कैसा रहेगा भाई, अभी क्या जगह के बहुत मसले चल रहे हैं, तो हिसाब से 100 रुपीज पर डे के हिसाब से रखेंगे उसका। ओके, 100 रुपीज पर डे के हिसाब से खाउटी पे पलाई पे अगर कोई रखता है बकरे तो बकरे खा रहे पलाई के वो भी यही खाएंगे। सही है माशाल्लाह, तो 370 रुपये पर केजी ये प्राइस कोट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें कुछ नेगोशिएशन के चांसेस है? एकदम समीर भाई, देख रहे हो आप बाजार क्या चल रही है, बाजार बहुत ऊपर है। तो मतलब नहीं है? नहीं एकदम एकदम फिक्स रेट है, एकदम फिक्स रेट है 6300। और मेरा बोलना यह रहेगा भाई, अगर किसी को भी पसंद आते हैं बकरे, किसी को खरीदी करना है तो जहाँ तक हो सके फार्म पे आके देखो, फार्म पे आके देख के लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग इसके बाद एक वीडियो और शूट करने वाले हैं। सारे बकरे एक जैसे दिखते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके भेजते भी है लोग व्हाट्सएप पे, तो उसमें क्या है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं यहाँ पर आके देखे, काफी बड़ा लॉट है, इसमें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आ गया सौदा जम गया, उसके ऊपर बाद में अपन जो भी है वो बांध देंगे। ठीक है, उसमें नंबर डाल देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो मैं क्लोज करता हूँ अशरफ भाई, नंबर स्क्रीन के ऊपर आपका दे दूंगा मैं, जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो अगवान गोट फार्म गूगल पे भी है, आप लोग गूगल पे डालेंगे अगवान गोट फार्म तो प्रॉपर यहाँ पे आपको गूगल के थ्रू आप आ सकते हो, या फिर आप इनसे जस्ट 2 किलोमीटर है भाई, अपना नासिक हाईवे से राइट लेफ्ट टर्न मारोगे जो दरिया सागर होटल है वहाँ से 2 किलोमीटर अंदर है, मतलब अगर इस साइड से आएंगे तो सबसे पहला अगवान गोट फार्म है और उस साइड से आएंगे तो एडिलेड आता है। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।